Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते. कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके राशिफल में. आइए जानते हैं कि आपके लिए 3 जुलाई 2022 रविवार का दिन कैसा रहेगा. साथ में जिनका भी आज जन्मदिन है मैं टैरो रीडिंग के माध्यम से बताऊंगी कि आज के दिन आपके साथ क्या अलग होगा. आखिर में हम जानेंगे कि आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या खास उपाय करना है. सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. हैप्पी बर्थडे टू यू. तो आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स इस खास दिन पे आपके लिए क्या बताते हैं. तो जानते हैं ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए क्या होने वाली हैं. आज के दिन आप बहुत इमोशनल फील करेंगे. इवन इमोशंस के साथ साथ आप रोमांटिक भी फील करेंगे. आप डेट पे जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ. आज के बर्थडे के दिन आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं आपको सरप्राइज पार्टी भी दे सकते हैं. इवन आज का जो दिन है वो आपका सोशल गैदरिंग किस में बीतने वाला है. आज आप सोशल पार्टीज़ को भी अटेंड कर सकते हैं, क्लबिंग भी कर सकते हैं. आपको इन्विटेशंस मिल सकते हैं सोशल इवेंट अटेंड करने के. आप जानते हैं कि ओवरऑल टैरो कार्ड्स के लिए आपका दिन कैसा बीतने वाला है. आज आप बहुत बिजी रहने वाले हैं. इवन आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं या अचीवमेंट मिल सकती है आज के दिन. आज के दिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील खुद ही करवाएंगे. आज आप अपने बर्थडे वाले दिन खूब ट्रैवल भी करने वाले हैं. आप जानते हैं आपकी फेरीज आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं. आपको आपके बर्थडे पे फेरीज बोल रही हैं कि आप अपनी इंटेंशन को प्योर रखिएगा. आज आपकी जो विश है उसको आप सच्चे दिल से फेरीज से यूनिवर्स से मांगिए. फेरीज उनको ज़रूर पूरा करेंगी. आज के दिन आपके लिए जो खास उपाय है, आपको सुबह अपने पिताजी का आशीर्वाद ज़रूर लेना है. उनके पैर ज़रूर छुइएगा या जिनको भी आप पिता तुल्य मानते हैं उन सभी के पैर छुइएगा और उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा. साथ में आपको लेना है एक लाल कपड़ा. उस लाल कपड़े में आप रखेंगे एक गुड़ की डली और एक मुट्ठी गेहूँ. इस पोटली को बांधकर आपको किसी गरीब को दान में देना है. एक बारी फिर से आप सभी को आपके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं. अब बात करते हैं 12 जोडियक साइन के लिए आज का राशिफल में क्या है. शुरुआत करते हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए. आपके प्रेम संबंधों या आपके स्पाउस के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, नोकझोंक हो सकती है. आपके बच्चों या स्पाउस की हेल्थ भी खराब हो सकती है तो आज उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा. आज के दिन आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है. पार्टनरशिप में भी आज आपको धोखा मिल सकता है तो सतर्क रहिएगा. बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए. आपका मन आज खुश नहीं रहेगा. आज आपका मन जो है बहुत विचलित रहेगा, बहुत परेशान रहेगा. आज आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है. घर में आज फैमिली मेंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ कहा सुनी चलती रहेगी. अगर आप प्रॉपर्टी के काम में हैं तो उसमें थोड़ी सी रुकावट आज आप देख सकते हैं, या आपका घर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो उसमें भी आज आप रुकावट देख सकते हैं. सो प्रॉपर्टी के काम में आज आपको रुकावट देखने को मिलेगी. बात करते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए. अगर आपके बच्चों को हेल्थ इश्यू है तो आज रिकवर होने के उनकी हेल्थ के बिल्कुल चांसेस हैं. यात्रा पे जा रहे हैं तो वो यात्रा सफल होगी. स्टूडेंट्स का इंटरनेशनल वीज़ा जो है वो क्लियर हो सकता है. फॉरेन कंट्री में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आज वहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है या आपकी जॉब जो है उसकी प्लेसमेंट भी हो सकती है. स्टॉक मार्केट में आज आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं. बात करते हैं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए. आपको आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है. परिवार वालों के बीच में नोकझोंक हो सकती है. प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका खर्चा हो सकता है. आप आज हाउस में कुछ ना कुछ रेनोवेशन कर सकते हैं. आज स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. बात करते हैं लियो सिंह राशि वालों के लिए. आप बहुत खुश रहने वाले हैं आज के दिन.
आज आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको देखने को मिलेगा। भाई बहन के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। जो लोग क्रिएटिविटी फील्ड में हैं उनको आज सफलता मिलेगी, उनके काम को आज फेम मिलेगा। बात करते हैं वर्गों, कन्या राशि वालों के लिए आज आप अपनी फैमिली पे खर्चा करेंगे, आज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, आपको आज हेडेक भी रह सकता है। हद से ज़्यादा आपको आज खर्चा नहीं करना है। फैमिली को छोड़कर आप ट्रैवल पे भी जाने का आपका प्लान जो है वो बन सकता है। बात करते हैं लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, आज आपकी सारी इच्छाएं पूरे होने की संभावना है, आज आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आज आपको वुमन यानी कि स्त्री या फिर माँ से सपोर्ट मिल सकता है, उनसे फ़ायदा मिल सकता है। आज आप कोई लार्ज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में मेडिटेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन अटेंड करने के लिए भी जा सकते हैं। बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, आज आपको करियर में सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन मिलने की भी चांसेस हैं, आज आपका बिजनेस ट्रैवल का भी कोई प्लान बन सकता है, बॉस आपके वर्क को सपोर्ट करेंगे और साथ में आपके वर्क को रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है और गवर्नमेंट जॉब में आपको सक्सेस भी मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वर्क में भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। बात करते हैं सेगिटेरियस धनु राशि वालों का, आज जो काम है वो थोड़ा सा स्लो रहने वाला है, आज आपको काम में दुगनी मेहनत डालनी पड़ेगी, फादर से आपकी नोकझोंक हो सकती है या पिता तुल्य लोगों से आपकी नोकझोंक हो सकती है, आज आपकी लोअर बॉडी में दर्द रहने की संभावना है। बात करते हैं केप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए, आज आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, वाणी का ध्यान रखिए नहीं तो आर्ग्यूमेंट हो सकती है, आज आपको मेंटल स्ट्रेस रहेगा जिस कारण आपको एंजाइटी हो सकती है या थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो सकता है, बिजनेस में आज आपको थोड़ा सा कुछ लॉस हो सकता है तो इन्वेस्टमेंट ज़रा सोच समझ के करिएगा। बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, आपको फॉरेन डील से आज प्रॉफिट मिल सकता है, स्पाउस के साथ आपका आज अच्छा रिलेशन रहेगा, फादर से आपको प्रॉफिट मिल सकता है या आपके बिजनेस में आपको उनसे हेल्प मिल सकती है, बिजनेस ट्रैवल में भी आज आपके सक्सेस प्राप्त होगी। बात करते हैं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, बच्चों की हेल्थ का आज आपको ध्यान रखना है, इंश्योरेंस में अगर कोई आपका मनी अटका हुआ है तो आज उसके रिकवर होने के चांसेस हैं, आज आपका मन करेगा कि मैं अकेले टाइम स्पेंड करूँ, कोई सोशल गैदरिंग में नहीं जाऊँ, आज आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, आज आप इंट्यूशन जो आपको गट फीलिंग आए उस पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, उसको इग्नोर मत करिएगा, आज अगर आपको कोई लोन बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं मिलने का तो आज आपको लोन भी मिल सकता है या फिर आज आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये बात करी 12 राशियों के लिए कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, अब हम जानेंगे कि खास उपाय आपको आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करना है। आज के दिन आपको तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल डालकर और रोली या फिर सिंदूर डालकर सूर्य को अर्घ्य देना है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में, टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियोस समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन, आत्मा नमस्ते।